हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने बहुत दिनों बाद मैंने कुर्ती बाय करी है और सोचा कि आप लोगों के आगे मैं रिव्यू करूं। और मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, दो कुर्ती मंगाई थी, और कहां से मंगाई थी वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने कहाँ से मंगाई है, बट मैंने सोचा कि आपको जेन्युइन रिव्यू दूँ और अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँ। अभी तक तो मैंने मिंत्रा से काफ़ी सारी बाय करी हैं, बट मैंने मीशो से 3-4 बार कुछ बाय किया है, तो मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया। बट मैं सोची एक बार मैं मीशो का भी रिव्यू आप लोगों के आगे दूँ, एक ये और एक ये मंगवाई है। तो चलो अभी हम आपको इसके बारे में प्रॉपरली बताते हैं क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या नहीं अच्छा लगा। फर्स्ट कुर्ती, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कुर्ती, ठीक है। इस कुर्ती में मुझे क्या अच्छा लगा, मतलब अच्छा तो मीन्स कहूँगी कि कंफर्टेबल है। क्लोथ भी चुभने वाला नहीं है, ऐसा देख के लगेगा जैसे कि ये चुभेगा, लाइक शाइन जो कर रहा है, बट ये शाइन नहीं है, एक्चुअली ये थ्रेड है, ठीक है। और ये जो रेड रेड देख रहे हैं, हाँ इसमें ठीक है, मतलब ठीक बोलूँगी, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं बोलूँगी, बट हाँ आपको, आप इसका मैं एक बार प्राइस भी मैं चेक करके आपको बता देती हूँ क्या है एग्जैक्ट। वेट अ मिनट, ये टोटल मुझे, वैसे ये 310 का था, बट मुझे टोटल पड़ा है 287 का, ठीक है। 287 में बुरा नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी है अगर उसके अकॉर्डिंग बोला जाए मीशो से। लेकिन आप मीशो से जब भी बाय करें ना, उसमें एक आध चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कब, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। उसमें जो सेलर्स होते हैं, कुछ का मैं ये नहीं कह सकती कि सारे ही आपको बहुत अच्छा भेजें, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव निकल आता है। डिफेक्टिव अगर आपको रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना है, उसके लिए ना आपसे 2 से 3 रुपये या 1 से 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज का ऑप्शन आता है। तो कोशिश करें आप 1-2 रुपये एक्स्ट्रा दे दें, वरना आपके पूरे पैसे वेस्ट जाएंगे अगर आपका कुछ भी डिफेक्टिव, फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं 2 से 3 रुपये एक्स्ट्रा दे देती हूँ, ताकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो मैं इसको रिटर्न कर सकूँ, ठीक है। तो अब ये है कि मुझे अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं इसका आपको एक बार लुक भी देख लेंगे तो आज ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे लुक इसमें, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, उसमें मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे कि ये इक्वल है, बिल्कुल ठीक है, लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और इसमें स्लीव्स भी आपने देखी होंगी कितनी है, लाइक बिल्कुल हाफ नहीं बोलेंगे, या आपकी एल्बो के थोड़ा सा ही ऊपर हैं, ठीक है। इसमें नेक भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, पर जो भी है बट राउंड है, बिकॉज ऑफ इसमें ऐसे करके बटन्स लगे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और ओवरऑल मुझे बहुत ठीक लगा, इतने प्राइस में बहुत सही लगा। बट आप जब कभी भी कुछ भी खरीदें ना, उसमें एक चीज़, दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि आप रिव्यू ज़रूर चेक करें, बिना रिव्यू के आप मत लें। रिव्यू बहुत ज़रूरी हैं, आप चेक करें, बिना रिव्यू में आप देख रहे हैं कि हाँ ये तो सेम है, सेम तो बहुत सारे सेलर्स उसमें सेल आउट कर रहे हैं कोई कम प्राइस में। ज़रूरी नहीं है कि कम प्राइस वाला बहुत अच्छा हो, ऐसा होता है कि कम प्राइस के चक्कर में आप वो कम वाले जो आप 150-200 में कुछ खरीदते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है समटाइम्स। मैं ये नहीं कह रही कि हर प्रोडक्ट बेकार होता है, बट हाँ मैं यही बोलती हूँ कि आप सबसे चाहे कम का भी ले रहे हो, बट आप रिव्यू चेक करके लो किसमें कितने अच्छे हैं, और इवन पिक्चर्स वीडियोस दोनों चीज़ें आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप लोगों को आई होप कि अच्छी लगी होगी। और जैसे कि आप लुक देख रहे हैं, इसमें एक लुक आप देख रहे हैं कि पूरा मैंने इस वे में दिखाया है, लाइक विदाउट लैगिंग एंड विदाउट दुपट्टा। एंड सेकेंड आप देखिए, इसमें सेकेंड में मैंने वियर किया हुआ है ब्लैक पैजामी, ठीक है, और साथ में मैंने वियर किया हुआ है जैसे कि उस पर साथ में दुपट्टा कलमकारी का, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। दो लुक दे सकते हैं, बाकी डिपेंड करते हैं कि आपके पास चुन्नी कौन सी है आप, बट कोशिश ये करेगा कि इस पर और कोई लैगिंग नहीं अच्छी लगेगी। ज़्यादातर मेरे को ज़्यादा जो पसंद आई है ब्लैक लैगिंग पसंद आई है, अगर थोड़ा एथनिक लुक रखना है, अदरवाइज थोड़ा वेस्टर्न लुक रखना है तो बेटर ऑप्शन है इसके नीचे शूज़ पहने और अंदर शॉर्ट्स वगैरह पहन ले तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा है समर्स के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इस कुर्ते की। अगर आपको ये पसंद आए तो आप जाके ले सकते हैं मीशो पे जाके, ठीक है। आप देखिएगा, चेक करिएगा कितना रेट मिल रहा है उस पर, कितना नहीं, बिना चेक करे मत लीजिएगा। सेकेंड कुर्ती ये रही आप, ठीक है, इसको भी मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो चले देखते हैं इसको कि कैसा लुक आ रहा है और क्या क्या इसमें अच्छा है, क्या क्या नहीं। नहीं का मतलब नहीं बोलूँगी, बट हाँ अच्छा काफ़ी कुछ है। तो चलिए, ये कुर्ती आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, वो मैं प्रॉपरली आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसमें ये जो कपड़ा है थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन कंफर्टेबल है, नो डाउट, प्योर कॉटन नहीं बोलूँगी। हाँ, पर इसमें एक चीज़ ये है कि अभी तक मैंने वॉश नहीं किया, मुझे नहीं पता ये प्रिंट जो आप देख रहे हैं, इस
प्रिंट, एक होती है मशीन प्रिंट, एक होती है डिजिटल प्रिंट और एक अलग प्रिंट होता है। तो ये एक्चुअली सिल्क प्रिंट है, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है तो आप जाके देख लें सिल्क प्रिंट क्या होता है इस वे में। तो सिल्क प्रिंट में क्या होता है ना, अक्सर जब आप वॉश करते हैं ना तो एक दो दो तीन बार में हट जाता है। आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ऐसे कुछ लुक लाइक दिस, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने एक ही बार मतलब अभी पहना ही नहीं है, इवन आप लोगों के आगे थोड़ा रिव्यू करा है। अब देखते हैं आफ्टर वॉश कैसा आता है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, मुझे ये कितने का पड़ा था वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये मुझे अप्रॉक्स 379 का पड़ा था, वैसे ये 402 का था, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट मुझे 379 का पड़ा है। और इसको एक बार इसका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसा है। आप जब देख रहे होंगे, देखिए इसका वी शेप में गला है, ठीक है। और बाकी ये जो इसका लुक आप ओवरऑल देख रहे हैं कि कहाँ तक लेंथ आ रही है, एंड मैंने प्रॉपर तैयार होके ही ये लुक दिखाया, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया, क्योंकि आप भी बिना तैयार होके नहीं पहनेंगे रैंडमली, बाकी का नहीं पता, बट हाँ मैं अपना बता रही हूँ, मैं यूं ही नहीं पहन लेती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं चोली, चोली के नीचे जैसे आप बैक साइड में देख रहे हैं थोड़ा सा साइड वे में है, और आगे की तरफ थोड़ा अपर वे में। और इसका वी शेप का नेक मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन जो इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स की लेंथ जो है वो भी बहुत अच्छी है। और ये प्रॉपर लॉन्ग लुक है, जिसको हम बोलते हैं वन पीस जो ड्रेस होती है अनारकली की, बस सिंगल। आप ज़रूरी भी नहीं है इसके नीचे लैगिंग या शॉर्ट्स या शॉर्ट लैगिंग या एंकल लेंथ आप पहन सकते हैं, बाकी आपका चॉइस है, ठीक है। बट मुझे अभी ये काफ़ी अच्छा लगा। बस मुझे इसमें क्या नहीं अच्छा लगा, इसका जो सिल्क प्रिंट है, जो स्क्रीन प्रिंटिंग है जो करी हुई है, अभी इस पर मुझे डाउट हो रहा है। तो इसका भी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने कुछ कुछ जगह जैसे देखा है, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि आपका ये कौन सा प्रिंट का, बस प्रिंट कपड़ा है वो मुझे समझ में आ रहा था, बट ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा प्रिंट है। बट कोई बात नहीं, 379 में आपको इतना मिल गया तो बेटर है। बट मैं ये कहूँगी मीशो के अंदर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, तो आप कोई भी कुर्ती ले, मैं ये कहूँगी, इवन इसकी मैंने बहुत सारे सेलर्स देखे हैं, कोई अलग अलग प्राइस का दे रहा है, उसमें बहुत सारे में किसी रिव्यू में सेलर्स में क्या जो अदर्स बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना दिक्कत, कुछ में रिव्यू बहुत बुरे आ रखे हैं, कुछ में बहुत अच्छे आ रखे हैं। तो आप कोशिश करें रिव्यू देख कर तब बाय करें, चाहे आपसे 230 रुपये या जो भी है आप थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन आप रिव्यू चेक करिए, ठीक है। ये नहीं कि सस्ता दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है तो सस्ते के चक्कर में वेस्ट कर लो अपना पैसा। तो बेटर ऑप्शन है कि आप प्रॉपर चेक करके लीजिएगा। अगर आपको ये लुक हमारे दोनों अच्छे लगे हों, एक मैंने पहले वाला लुक दिखाया है, एक ये दूसरा लुक दिखाया, पहली कुर्ती का मैंने दो लुक दिखाए और इसका एक लुक दिखाया है। तो अगर आप दोनों कुर्तियों में आपको कौन सा बेस्ट लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।